नमस्कार मातृशक्ति प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर माता पिताओं को शिकायत रहती है कि उनका बच्चा रात भर सोता नहीं है, वो बार बार जागता है, इससे उनके पेरेंट्स की नींद खराब होती है, वो प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। हम आपको बता दें कि फूड्स की मदद से आप बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न को सुधार सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मातृशक्ति, अधिकतर बच्चे रात को सोते नहीं हैं, वहीं कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से माता पिता की नींद पूरी नहीं हो पाती और माताओं को तो यह शिकायत अक्सर ही देखी जाती है कि उसका बच्चा रात को ठीक से सोता नहीं है। हम आपको यहाँ बता दें कि नवजात शिशु 24 घंटे में 16 से 20 घंटे सो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि फूड्स की मदद से आप अपने बच्चे को अच्छी और गहरी नींद लेने में मददगार हो सकते हैं। यहाँ हम आपको उन फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बच्चे को पूरी अच्छी नींद पाने में मदद करते हैं। इन चीज़ों से नींद जल्दी आएगी। डेयरी उत्पादक जैसे दूध, चीज, अंडे, अनाज, ओट्स, सोया से बने उत्पाद, केला, हरे पत्तेदार सब्जियां से जल्दी नींद आती है। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक तत्व पाया जाता है जो मस्तिष्क को नींद लेने वाले मेलाटोनिन हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। इससे आपका बच्चा अच्छी नींद ले सकता है और जल्दी सो सकता है। इस सूची में दलिया भी काम करता है। दलिया बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, ये हल्का होता है, आसानी से पच जाता है और आपका बच्चा अच्छे से सो सकता है। उसके लिए चावल, ब्राउन राइस बहुत पौष्टिक होते हैं जो सफेद चावलों के मुकाबले आसानी से पच जाते हैं और पेट के लिए हल्के भी होते हैं, इससे भी बच्चे को अच्छी नींद आ सकती है। होल ग्रेन सीरियल के साथ दूध, मातृशक्ति दूध और अनाज दोनों मिलाकर नींद लेने वाले हार्मोन्स को पैदा करते हैं, ये बहुत पौष्टिक भी होता है और आपके बच्चे के संपूर्ण पोषण में मदद भी करता है और बच्चा इसको खाने के बाद अच्छी नींद ले सकता है। केला, मातृशक्ति केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करता है और ये बच्चे को आप दूध के साथ अच्छे से मेल्ट कर दे सकती हैं, इससे भी आपकी प्रॉब्लम में निजात मिलेगी। बच्चों को सुलाने के कुछ और टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों के साथ दिन में खूब खेलें, शाम के समय कोई शांत और हल्का गेम खेलें, बच्चे इससे थक जाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। बच्चों को रात को नहलाने से, अगर बहुत नाजुक नवजात बच्चा है तो स्पंज का रहे नहलाना, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको नहलाने से भी उसको अच्छी नींद आती है। बच्चों के साथ एक ऐसा रूटीन डेवलप करें, एक ऐसा रूटीन बनाएं, एक ही समय पर सुलाने और उठाने की कोशिश करें ताकि बच्चे को उसकी आदत लग जाए। बच्चा वो ही चीज़ सीखता है जो माता पिता सिखाते हैं, इसलिए आपको इस वक्त अपने बच्चों का रूटीन बनाना है, उसको इसके लिए मदद करनी है। रात को सोते समय कमरे में हल्की रोशनी रखें ताकि बच्चा इस बात का एहसास करे, उसे ऐसा लगे कि मेरे सोने का वक्त हो गया है। जब उसका सोने का वक्त हो तो अलग से एक माहौल पैदा करें, ये दिखाएं कि अब सोने का वक्त है, और जब जागने का समय है तब एक नया माहौल लाइट के साथ में उसके प्रकाश के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं कि उसे लगे कि मेरे जागने का वक्त हो गया है। अगर बच्चा गुस्सैल और जिद्दी है तो उसे इन तरीकों से समझाएं। बच्चों के बेहतर विकास के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। आसान आसन की मदद से भी आप बच्चों को बेहतर नींद दिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।